उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। भीड़ को नियंत्रित करने में प्रशासन के भी पसीने छूट रहे हैं, लिहाजा प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब सख्ती शुरू कर दी है। दरअसल धाम में जो यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के या फिर रजिस्ट्रेशन की तिथि से पहले ही यात्रा पर आ रहे हैं, उन तीर्थयात्रियों को अब वापस लौटाया जा रहा है, ताकि चार धाम पर बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित किया जा सके। देखो दोस्तों, ये यमुनोत्री धाम का राजमार्ग है और यहाँ देखो कितना जाम लग चुका है और यहाँ धामी सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर डोली वालों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। डोली वाले भाई लोग इधर बैठे हैं और न पिट्ठू वालों के लिए व्यवस्था है, ना यात्रियों के लिए व्यवस्था है, ना घोड़े वाले के लिए व्यवस्था है, ना घोड़े के लिए व्यवस्था है। उत्तराखंड का ये यमुनोत्री धाम का पैसा कहाँ जा रहा है, हम इस बात को पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट सरकार से, धामी जी की सरकार से, कि यहाँ का जो बजट है वो कहाँ जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अब तक सैकड़ों तीर्थयात्रियों को वापस लौटाया गया है। ये सभी यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के या फिर रजिस्ट्रेशन की तिथि से पहले ही यात्रा पर आए हुए थे। ऐसे में प्रशासन ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए इन सभी यात्रियों को वापस भेजा है। इसके साथ साथ प्रशासन ने ऑफलाइन पंजीकरण पर भी 31 मई तक रोक लगा दी है। ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा यात्रियों के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में की गई थी। नहीं बिल्कुल, ऑफलाइन पंजीकरण 31 तारीख तक बंद किया गया है। जो ऑनलाइन से जिनका पंजीकरण हुआ है वही लोग जा रहे हैं और जहां पर भी गाड़ियां रुक रही हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है सभी जिलाधिकारियों को कि जहां भी गाड़ियां अगर रुक रही हैं गेट सिस्टम है तो उनके खाने की, पीने के पानी की, दवाओं की सारी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करेंगे सभी लोग। इसके अलावा उन्होंने जो अलग अलग विभागों के सचिव साहिबान हैं, चाहे PWD, पेयजल, उनको भी कहा कि आप लोग स्थल पर जाइए और देखिए कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखा जाए कि जिलाधिकारी अपना कार्य करें, अधिकारी अपना कार्य करें। उधर अधिकारियों के बाद अब खुद सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने भी चारधाम यात्रा को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। सीएम धामी शुक्रवार को यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने उत्तरकाशी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से भी फीडबैक लिया। बहरहाल चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। एक हफ्ते के भीतर ही 4 लाख के करीब तीर्थयात्री चारधाम के दर्शन कर चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यात्री बाबा केदार के दर पहुंचे। फिलहाल यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला और भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।